योगा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिकली एक्सरसाइज हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई बार हम भी हमारे सेट पे इतना काम होता है तो हम वो नहीं कर पाते। मेरे पापा ने हमेशा मुझसे एक चीज़ कही कि सूर्य नमस्कार करते रहो, जितने भी सुबह उठ के सबसे पहले अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड मेडिटेशन, ये दो चीज़ें मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते करने के लिए। सूर्य नमस्कार तो काफ़ी हद तक कर नहीं पाता हूँ, बट कभी कभार मेडिटेट कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जितनी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या मैक्स टू मैक्स स्ट्रेचिंग कर लो, कि बॉडी स्ट्रेच कर लो, बहुत फ्रेश फील होगा। जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, अगर आप स्ट्रेच भी करोगे जितना हो सके आपके हिसाब से, इट विल कीप यू फ्रेश। एंड यस, योर बॉडी डिजर्व्स सम ट्रीटमेंट, योर बॉडी डिजर्व्स सम एक्सरसाइज, सम गुड हेल्थ। सो प्लीज़ डू। आपकी बॉडी, ब्रेन आपकी बॉडी का ही हिस्सा है, तो ऑब्वियसली आपको आपको बॉडी को आप ठीक रखोगे, अच्छा खाओगे, एक्सरसाइज करोगे। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के एक 15 मिनट की जॉगिंग जो है आपके माइंड को काफ़ी खोल देती है। नाउ दैट्स हाउ इवन योगा वर्क्स, दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स, यू नो, एक्सरसाइज हो, योगा हो, मेडिटेशन हो। प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में रखिए, एंड प्लीज़ प्लीज़ ग्रो इन लाइफ, दैट्स ऑल इट्स। स्कूल में हमसे योगा करवाते थे और हमें हमेशा ये बोरिंग लगता था काफ़ी, कि क्या योगा क्या ये। बट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, जब हम इम्पोर्टेंस समझने लगे कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम धीरे धीरे उसको लाइफ में लाने लगे। एंड आई एम श्योर कि जितने भी, जिनको भी लगता होगा कि आज के डेट में बोरिंग है, कुछ टाइम वेट कीजिए जब तक आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, इट्स इंटरनेशनल योगा डे, सो लेट्स सेलिब्रेट इट विथ यू नो प्राइड, एंड अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बस लाइफ में खुश रहे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ ही कहा जाता है, तो उसको साथ